साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में हैं। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको तकिए के नीचे एक बहुत ही खास एंजल नंबर बता रहा हूँ। इसको आप किसी भी, आप देखिए धन की जरूरत तो सबको है, पैसे की जरूरत तो आज मतलब ये समझ लीजिए कि आम बात हो गई कि हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। इस नंबर के साथ में आपकी कोई बड़ी परेशानी चल रही है उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। कर्ज की समस्या है, गरीबी है, दुख है, दरिद्रता है, शत्रु है, बीमारी है, तो आप सिर्फ 28 डेज मेरे बताए तरीके से इस नंबर को तकिए के नीचे रखिए, आप उसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज लोगों को बता आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट बुक है और पेंडिंग में डली हुई है, तो आप लोग निस्फिक्र रहें, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो जिनकी भी अपॉइंटमेंट वगैरह सब पेंडिंग में डली हुई है, तो जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निस्फिक्र रहें। और जिनने भी राहु की पूजा के लिए अपना जो पेमेंट किया हुआ है, तो जैसे ही आपका टाइम मिलता है आपकी पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है? आप लोग बिल्कुल निस्फिक्र रहें। थोड़ा सावन के महीने में थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसलिए आप लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? और आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ, कोई भी दोस्तों देखिए खास रेमेडी करते हैं धन के लिए, कोई भी रेमेडी करते हैं तो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें आप। शुक्ल पक्ष ये होता है कि अमावस्या के जो 15 दिन होते हैं ये शुक्ल पक्ष होता है। कोई भी शुभ काम यदि शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पूर्णिमा के जो 15 दिन होते हैं ये कृष्ण पक्ष होता है, तो अमावस्या के दूसरे दिन से इस प्रयोग को कर सकते हैं, या अमावस्या के जो भी 15 दिन है उसमें आप किसी भी दिन से इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा, काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान बर्थ चार्ट के हिसाब से चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी में अनबन है, ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है, उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कन्फर्म नहीं होता है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है, ठीक है? तो देखिए आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ आप रात्रि में सोते समय करेंगे, और एक आपको क्या करना है, व्हाइट कलर की आपको ले लेना है एक थोड़ी सी चिट, यानी कि कागज बिना लाइनिंग वाली छोटी सी चिट, उसमें आपको रेड कलर, ब्लू कलर या ग्रीन कलर, ठीक है, उससे आपको लिखना है 888। ये साल जो है शनि का है, ठीक है, तो आपको लिखना है 888 और उसके नीचे आपको कोई भी एक अपनी परेशानी लिख देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। जैसे कि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो उसमें लिख दीजिए अतः धन की प्राप्ति। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, लिख दीजिए कर्ज से मुक्ति। बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, बीमारी से मुक्ति। शत्रु बाधा से मुक्ति, दुख गरीबी से मुक्ति। कोई भी एक चीज आपको लिख देनी है, ठीक है? अब इसको आपने क्या करना है, उल्टे हाथ में रख करके इस तरीके से आपको फोल्ड करते हैं, आलती पालती मार करके बैठ जाएंगे, ठीक है? सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में रख के सीधे हाथ से ऐसे फोल्ड करेंगे और 11 बार आपको वही मनोकामना बोल देनी है कि मुझे कर्ज से मुक्ति मिल रही है, मेरे पास में अतः धन की प्राप्ति हो रही है, इस शत्रु से मुझे मुक्ति मिल गई, उसको 11 बार आपको बोल देना है। अब इस चिट को उठा करके आपको अपने पिलो में कवर, जो तकिया है उसके कवर के अंदर आपको डाल देना है। ये आपका फर्स्ट डे हो गया। सेकंड डे फिर से आपको यही रेमेडी करनी है, एक आपको चिट लेनी है, स्लिप लेनी है, उसमें आपको यही चीजें लिखना है, मनोकामना जो परेशानी जो फर्स्ट डे लिखी है वही चीज आपको दूसरे दिन भी लिखेंगे। फिर थर्ड डे ऐसे करके आपको 28 दिन 28 डेज तक आपको ये चीजें रिपीट करनी है, एक एक स्लिप बनाते जाएंगे, तकिए के नीचे इस तरीके से आपको डालते जाना है। अब जब आपका 29 डे हो जाएगा, 29वां दिन जब आएगा, तो आपने क्या करना है, सुबह नहा धो करके एकदम फ्रेश हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहन लें, कोई स्टील का या लोहे का कोई कटोरा वगैरह ले लें, पात्र ले लें, और कपूर उसमें जला दें, भीमसेनी कपूर, देसी कपूर, ठीक है, उसमें आपको जला देना है। अब आपने एक जो 28 चिट आपकी इकट्ठी हो गई है, तो पूरी 28 जो चिट होंगी इसको आपको एक चिट आपको उठानी है, माथे से लगानी है,
और ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज आपने इसमें लिखी हुई है, अगर आपने परेशानी लिखी हुई है तो वो चीज उसमें जल करके भस्म हो रही है, यदि मनोकामना लिखी हुई है तो वो चीज आपको रिसीव हो रही है, वो चीज आपको मिल रही है, ये इंटेंशन डालते हुए और वो चिट उसमें डाल देनी है। पूरी 28 चिट आपको उसमें फूड डालते जाना है, ठीक है। जब पूरी चिट उसमें डाल देंगे तो उसकी क्या होगी, ऐश बन जाएगी, राख तैयार हो जाएगी। तो इसको आप तीन तरीके से आपको यूज कर सकते हैं। एक तो आपने ये करना है, जिस कटोरे में आपने जो डाला हुआ है, चिट जलाई हुई है, उसमें आपको पानी डाल करके, कोई बहता हुआ जल प्राकृतिक जल है उसमें आपको डाल करके आ जाना है। अब दूसरा आप ये कर सकते हैं, इसको पीपल में डाल सकते हैं, उसमें पानी मिलाकर इसको पीपल में डाल दीजिए या फिर बरगद में डाल दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके घर में कोई टेरिस वगैरह है तो इसकी राख को पूरा मसल के राख बना दीजिए। अब इसको आपको हाथ में लेकर के और आपको ब्रह्मांड में इसको छोड़ देना है, फूंक मार देनी है, पंच तत्वों में इसको विलीन कर देना है। आपकी जो भी नीड है आप देखेंगे कुदरत खुद ही ऐसे आपके सामने अनुकूलताएं लाने लगेगी, ऐसे आपके सामने पॉजिटिविटी आने लगेगी। जो भी चीज आपने लिख करके आपने उसमें जलाया है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी, बेरोजगारी दूर होगी, कर्ज की समस्या दूर होगी। अब छोटा सा काम आपको करना है कि ये प्रयोग जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसी दिन आपको किसी बच्चों में या गरीबों में किसी भी जरूरतमंदों को थोड़ा सा कुछ भोजन वगैरह दे दें, पैसे नहीं देना है, भोजन करा दें या कुछ फल या फ्रूट, कोई भी चीज़ें थोड़ा सा सदका कर दें, थोड़ा सा कोई चीज़ डोनेट कर दें, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखिए दोस्तों, आपके 29 डेज आपके कंप्लीट नहीं होंगे उससे पहले आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आप एक परेशानी के लिए आपने 20 डेज इस प्रयोग को किया, अब आपकी एक परेशानी दूर हो गई, दूसरी परेशानी के लिए किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को आप करिए, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। 28 दिन का ये प्रयोग है, तकिए के नीचे रख करके नंबर, और उसके बाद में आप देखिए आपकी लाइफ पूरी लाइफ चेंजिंग मिरेकल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पूरे विश्वास से करिए, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शावर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। शावर मंत्र जो होते हैं दुर्लभ होते हैं, हमारे पास में जो शावर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त हैं। राहु यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड परेशानी आएगी, दुर्घटनाएं होंगी, धन हानि मान हानि। राहु यदि बैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सफलता सब कुछ मिलना शुरू हो जाती है। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए एक विशेष पूजा शावर मंत्रों से होती है जो कि 18 से 28 दिन की होती है, 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे। दूसरा शनि राहु केतु, इन प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की, और 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए 41 दिन से 3 महीने की विशेष पूजा होती है। शावर मंत्रों की पूजा है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनने पूजा कराई है, सभी के पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके जानकारी प्राप्त करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आज की जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके एक छोटे से शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।